प्रॉमिस किया था, आपने 40 लेक्चर की श्रृंखला में मैं आज पहला चैप्टर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित होगा, यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दो एक अलग अलग चीज है। इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जनरली जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे डेफिनेशन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, बहुत सारे चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। सबसे पहली बात आती है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द थिंग्स विच वी डू इन आवर डेली लाइफ, उन सब चीजों के बारे में है जो हम अपने दैनिक क्रियाकलाप में करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसका यह है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, इकोनॉमिक्स वह है जो इकोनॉमिस्ट करते हैं, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। तो सवाल तो यह आया ना कि आखिर अर्थशास्त्री करते क्या है, इकोनॉमिस्ट करते क्या है? अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट करते ये है कि जो हम अपने दैनिक क्रियाकलाप में कार्य करते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं, उन जीविकोपार्जन के लिए संसाधनों और आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बिठाने का कार्य करते हैं। संसाधन हमारे सीमित हैं, दो चीज की बात करते हैं हम, रिसोर्सेस और वांट्स। रिसोर्सेस और लिमिटेड, हम लिमिटेड रिसोर्सेस की बात करते हैं और वांट्स हमारी क्या है, अनलिमिटेड। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों के बीच में हमको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो इकोनॉमिस्ट यही करते हैं जो रिसोर्सेस और आवश्यकताओं के बीच में सामंजस्य बिठाते हैं। तो सवाल इस बात का आया कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से हुई। अब आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाता है कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से हुई, तुरंत आएगा दिमाग में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो बहुत पुराना है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो बहुत पुराना है। आपको बता दें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र नहीं है, उसका नाम अर्थशास्त्र है। वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी हुई एक पुस्तक है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि एक देश का संचालन कैसा होना चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या है, कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए, व्यापार किस तरह से करना चाहिए, किनके साथ करना चाहिए, इन सब का विवरण जो मिलता है वो मिलता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र वास्तव में कोई अर्थ पर लिखा हुआ शास्त्र नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक व्यवस्था पर लिखा हुआ शास्त्र है। तो अर्थशास्त्र की शुरुआत कहां से होती है? स्वाभाविक सी बात है कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है एडम स्मिथ से, और एडम स्मिथ कब आते हैं, 1976 में उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। ध्यान रहे नेशन नहीं है, नेशंस है, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका पूरा नाम है, पूरा नाम आप लोग नोट कर लीजिए,
पूरा नाम है इस पुस्तक का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो यहीं से 1976 से इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। अर्थशास्त्र की शुरुआत यहीं से हुई। अब सवाल आता है कि ये तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई, तो इकोनॉमी कहां गई? इकोनॉमी हमने आपको दो चीज बताया कि हम अपने इस अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज के बीच में सामंजस्य बनाते हैं, जो रिसोर्सेज के बीच में सामंजस्य बनाते हैं, रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल है, वांट्स क्या है? वांट्स क्या है? अनलिमिटेड तो है, लेकिन ये वांट्स क्या है? रिसोर्सेज तो नेचुरल है, वांट्स हमारी फिजिकल है, और ये फिजिकल जो है ये क्या है? मैन मेड है। ठीक है, तो मैन मेड इस फिजिकल वांट को हम इसके साथ सामंजस्य बिठा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। अब नेचुरल रिसोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं? कुछ माइंड मेड एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भाई? अगर हमको अपने वांट्स को पूरा करना है तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे ना। तो एक एक्टिविटी हुई प्रोडक्शन, दूसरा क्या करेंगे? इन वांट्स को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे, उपभोग करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? उपभोग करेगा कोई एक व्यक्ति तो करेगा नहीं, ढेर सारे लोग करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो कुछ हम आपसे लेंगे और कुछ आपको देंगे। तो ये चार एक्टिविटी होती हैं जिनको हम मैन मेड एक्टिविटी कहते हैं। ये इकोनॉमी के पार्ट हैं। हमने आपसे क्या कहा था? इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। फिर मैंने क्या कहा? इकोनॉमिस्ट टू रिसोर्सेज एंड वांट्स के बीच में सामंजस्य बिठाते हैं। तो सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे, फिर इसके बाद तीसरा क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे भैया? कुछ लेंगे और कुछ लेंगे, तो हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। देर आर फोर इकोनॉमिक सिस्टम्स विच आर मैन मेड। ठीक है, अब हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं, अब इकोनॉमी तो आ गई, यानी एक ऐसी व्यवस्था जो अर्थ से संबंधित है और जो पूरी व्यवस्था को संचालित कर रही है, इसलिए इन वांट्स को पूरा करने के लिए, उसी को हमने क्या कहा? अर्थ व्यवस्था। यानी जब हम सैद्धांतिक बात करते हैं, जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो वो अर्थशास्त्र होता है, और जब हम सैद्धांतिक व्यवहारिक बात करते हैं, जब व्यवहारिक क्रियाकलाप करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं इन वांट्स को पूरा करने के लिए, तो उसको हम अर्थ व्यवस्था कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए
अब हम आ गए इकोनॉमी पर। तो हमारे सामने इकोनॉमी का कुछ पहलू आएगा, क्या क्या आएगा। इकोनॉमी हमारे जो हमारी इकोनॉमी है हम उनको तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहली होती है हम जिसको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या है? जहां पर व्यवस्था का संचालन बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। बाजार की शक्तियां क्या क्या होती हैं? मार्केट फोर्सेस जिन्हें कहते हैं, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या क्या होती हैं? है तो किशन, हाँ जी, मार्केट फोर्सेस डिमांड है सप्लाई। मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं मार्केट की बात आएगी, मार्केट फोर्सेस की बात आएगी, तो हम बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट इकोनॉमी में प्राइस तय नहीं की जाती है, मार्केट खुद प्राइस तय करता है। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। यानी जो सामंजस्य है, संतुलन है, जिसको हम संतुलन अब कहेंगे, अर्थशास्त्र में क्या कहेंगे? संतुलन, इक्विलिब्रियम। वी विल यूज द टर्म इक्विलिब्रियम। तो हम जो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे वो डिमांड एंड सप्लाई के बीच की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। दूसरी हम जो कहते हैं प्लांट इकोनॉमी। प्लांट इकोनॉमी, प्लांट इकोनॉमी क्या होती है? प्लांट इकोनॉमी वो होती है जो सरकार प्लांट बना करके डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट तय करती है। डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट, यानी अगर प्राइस भी तय करना है तो सरकार तय करती है। कैसे तय करती है सरकार? आपने सुना होगा शायद एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा सरकार प्राइस तय करती है। जैसे अभी अभी हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार ने कहा है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा करके किसानों की आय को दो गुना करने की कोशिश करेंगे, यही तो कहा है सरकार ने। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये प्लांट इकोनॉमी होता। जैसे हमारे यहां डेवलपमेंट के कार्य को तय करने के लिए पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, आपने नाम सुना ही होगा प्लानिंग कमीशन का। आजकल इसका नाम क्या हो गया है? प्लानिंग कमीशन को बदल के नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति। क्या है इसका फुल फॉर्म? नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लांट इकोनॉमी को हम, प्लांट इकोनॉमी कहां है, हम इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, या हम इसको सोशलिज्म भी कहते हैं, हम इसको सोशलिज्म कहते हैं। और मार्केट इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में ध्यान रखिएगा, तो हमने मार्केट फोर्सेस की बात करी थी, डिमांड सप्लाई की बात करी थी, तो यहां पर हमने ये आपसे नहीं कहा कि यहां पर सरकार कोई चीज तय कर रही है। यहां पर हर चीज कौन तय कर रहा है? मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, लेसेस फेयर पॉलिसी। लेसेस फेयर पॉलिसी, LAISEZ, लेसेस
फेयर पॉलिसी, इसको कभी कभी प्रोनाउंसिएट करते हैं हम लासे फेयर पॉलिसी भी कहते हैं, कभी कभी हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो लेसेस फेयर पॉलिसी के लिए इसका मतलब है अहस्तक्षेप की नीति, यानी सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। जैसा कि हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपको दिखाया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप है, प्लान बनाती है, एग्जीक्यूट करती है, मार्केट को कंट्रोल करती है। मार्केट को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा जैसे IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, IRDA और RBI है, ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। दूसरा आपका सेबी है शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा मार्केट इकोनॉमी में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसी कोई चीज नहीं होती। एवरीथिंग इज लेसेस, हैविंग द लेसेस फेयर पॉलिसी, आ हस्तक्षेप की नीति यहां पर पाई जाती है। तो हमने दो तरह की बात करी, एक कैपिटलिज्म की और दूसरी सोशलिज्म की, ठीक है। तीसरी तरह की एक इकोनॉमी होती है, हम जिसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में कुछ मार्केट का हिस्सा होता है और कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर प्राइवेट सेक्टर अपने कार्य स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, वेयर दे आर फ्री टू वर्क स्मूथली। ध्यान रखिए हमने दो वर्ड यूज किया, फ्री टू वर्क स्मूथली, यानी काम करने के लिए एक उचित स्मूथ वातावरण बनाना भी सरकार का कर्तव्य है। तो सरकार का अगर ये कर्तव्य है तो सरकार की इस कर्तव्य को कौन निभाएगा? सरकार निभाएगी। तो यहां पर बोला गया सोशलिस्ट इकोनॉमी का, और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किसका नाम आया? मार्केट का। तो ये दो तरह की इकोनॉमी जब एक साथ मिल जाती है तो इसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अगुआ कौन था, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल में हम जनरली लेते हैं अमेरिका, और सोशलिस्ट इकोनॉमी के उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं इसको रूस को, चाइना को, और मिक्स इकोनॉमी के उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं इंडिया को। अब हम जरा सा एक नजर फिर से कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी की बात कर लें। देखिए हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमी की बात हमने जो की, पहला था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा जो होता है वो 95% होता है, और पब्लिक सेक्टर का जो हिस्सा होता है वो 5% होता है, और इनका जो पर्पज होता है, पर्पज क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। ध्यान रहे जितने भी वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थे ये सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी थे। एक नया वर्ड आ गया है आपके सामने डेवलप्ड, हम इस पर अभी इसके बाद चर्चा करते हैं कि डेवलप्ड किसको कहते हैं और अनडेवलप्ड किसको कहते हैं। हम पहले अभी कैपिटलिज्म तक फोकस कर रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी 95% प्राइवेट सेक्टर, 5% पब्लिक सेक्टर, पर्पस क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरा हमने बात किया था सोशलिज्म की या सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो जस्ट अपोजिट 5% रिसोर्सेस प्राइवेट सेक्टर में होते हैं और 95% रिसोर्सेस पब्लिक सेक्टर में होते हैं, यानी
किस जगह पर प्रोडक्शन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, इंडस्ट्री कहाँ पर लगाई जाएगी, ये सारा कुछ तय करती है सरकार। सरकार तय करती है, 5% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है क्योंकि उनका भी रोल होता है। और इनका उद्देश्य होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। और ये भी जितने भी थे ऑलमोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी थे। तीसरी जो हमने आपको बताई थी वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में पहले जो था वो था 45% रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर में थे और 55% रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर में है। अब प्रेजेंट में सिनेरियो चेंज हो गया है, यानी 55% अब प्राइवेट सेक्टर में हो गया है और 45% अब पब्लिक सेक्टर में हो गया है। और यहां पर इनका पर्पज क्या होता है, तो क्या होगा, मैक्सिमम ग्रोथ विद मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। मैक्सिमम ग्रोथ विद मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, कैपिटलिज्म सोशलिज्म। सोशलिज्म में भी हम दो तरह का डेफिनेशन ले सकते हैं सोशलिज्म। आपने कभी समाजवाद पढ़ा है, सोशलिज्म की हिंदी क्या है, समाजवाद। और जब इसका डेवलप स्वरूप हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, साम्यवाद। इसके डेवलप स्वरूप को क्या कहते हैं, साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, देखिए समाजवाद, समाजवाद में ईच, समाजवाद की डेफिनेशन लिखिए, ईच अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी, एंड ईच अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। ईच अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा और उसकी क्षमता के अनुसार प्रतिफल मिलेगा, यानी जितनी